ओम शांति। आज 9 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य, आज की मुरली धारणा युक्त मुरली। कई बच्चों के मन में सवाल होते हैं जिसका उत्तर बाबा ने दिया है। सवाल कौन से होते हैं? पहली बात सवाल में आती है, बाबा खान पान की धारणा नहीं रहती है, बाहर खाना पड़ता है। तो उसका जवाब बाबा ने दिया है। साथ ही साथ दूसरी मुख्य बात होती है पवित्रता की धारणा की, उसका भी बहुत सुंदर बाबा ने उत्तर दिया है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? योग बल में इतनी जादुई शक्ति है, तो बाबा कहे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। तीसरी बात, पहली बात देखी, कर्मेंद्रियां वश हो जाती है, पावन बन जाते हैं। तीसरी बात, योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की वह नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते, बाबा शक्ति दो, बाबा ये दो, बाबा वो दो। तो बाबा कहे तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे वो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। बाबा मुरली के माध्यम से हर बात समझाते रहते, कोई पूछे या ना पूछे। कभी पूछते हैं, अच्छा कौन सी बातें पूछते हैं? तो बाबा कहे कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। बाबा हमें बाहर खाना पड़ता है, खान पान की तकलीफ होती है। तो बाबा कहे अब यह तो समझ की बात है, बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहां भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। कहीं पर भी जाए तो बाबा कहे बाबा की याद अंदर में बहुत स्ट्रांग हो, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। ये नहीं कि बाबा अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षा देंगे, नहीं, बाबा की जो धारणाएं हैं सब बच्चों के लिए एक सरीखी है। जो नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहे योग बल को इतना बढ़ाओ, योग बल से काम लो।
बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं, बाप आए ही है सब बच्चों को पुरुषार्थ कराने लिए। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहां ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहां से गिरे हो, द्वापर युग से कैसे नीचे गिरे हो, एकदम ऊंची चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन है। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। इतना ऊंचा बाप मिला है तो ऐसे बाप पर तो न्योछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहां बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, इतना स्मूथ तरीके से हमारे जीवन को ले जाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल। अजामिल माना बाबा कहे पापी कहा जाता है कि अजामिल जैसे पाप आत्मा, तो इतने मनुष्य पाप आत्माएं बन गए हैं जैसे अजामिल, एक दो से जास्ती पाप आत्मा बन गए। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं, सब है पाप आत्मा है। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा। कोई हॉस्पिटल खोल देते, किसी की सेवा करते तो बाबा के उससे क्या हुआ, सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा बिलवड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। यज्ञ के अंदर जब कराची में थे 14 साल, तो उस समय कहा जाता बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई बच्चे बीमार भी पड़े तो बाबा ही उनकी सेवा करते थे, उनका इलाज करते थे, लेकिन बाहर का डॉक्टर तक भी नहीं आ सकता। तो बाबा कहे शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे, अहंकार कुछ नहीं था। शिव बाबा को तो अहंकार होता ही नहीं, भले परमात्मा है, तो इसीलिए बाबा को मालूम होता क्या देना है, कौन सी दवाई देनी है, क्या इलाज करना है, कौन से कोई नेचर की दवाई देनी है। तो बाबा को अहंकार कुछ भी नहीं,
बाप दादा ऊंचते ऊंच है, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे करवाऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते। यानी शिव बाबा कहते हैं जैसा कर्म इनसे करवाऊंगा ब्रह्मा बाबा से, और या तो मैं खुद करूंगा, तो दोनों जैसे एक शरीर में होने कारण एक हो जाते। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी इतना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करे मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है। न किसी को मारते हैं न किसी को कूटते हैं, लेकिन बाबा कहे ऐसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत में भी तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, गीत में भी है, भक्ति मार्ग का गीत है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है, ऐसे थोड़ी है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं सो भी बाप राय देते हैं। तो बाबा कहे बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो। अब दूसरा प्रश्न, पहला तो खान पान का होता है, दूसरा प्रश्न कौन सा, तो कई पुलिस वाले होते हैं, उनको डंडे भी चलाने पड़ते हैं, तो उनके लिए बाबा क्या कहते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे, अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ हाथ नहीं चला। देखो बाबा की श्रीमत पुलिस वालों के लिए भी कैसी है कि आंख भले दिखाओ हाथ नहीं चला। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना रहता है ना, ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। अब तीसरा प्रश्न आता है पवित्रता है, तो मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। आज मनुष्य पूछते हैं देवताओं को परमात्मा को, तो पूछते क्यों है, क्योंकि समझते हैं वो पावन है हम पतित है। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बाबा बतलाते हैं। अभी उसके लिए कौन सी युक्ति बताते हैं बाबा, जब कोई अत्याचार करता है तो बाबा कहे युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। बहुत नम्रता से चलो, पहली बात बाबा कहे बड़ी नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो। मनुष्य दुनिया में पति के लिए कहते हैं कि पति परमेश्वर है, तो इसीलिए बाबा कहे फिर बोलो बड़े नम्रता से,
आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो? हथियाला बांधते समय कहते हैं, मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु, सब कुछ हूं। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूं, तो तुम रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। नम्रता से बाबा कहे ये समझाओ अपने पति को कि आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। बाबा कहे अगर क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। फूलों की वर्षा माना कोई स्कूल में फूल उठा करके डालने की बात नहीं है, लेकिन इतना प्यार से उनके साथ व्यवहार करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। अगर पति मार भी देता है बाद में उसको अफसोस भी होता है। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो यह विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी है परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज खुशी में लाती है, थोड़े क्षणों के लिए भी उनको खुशी में ले आती है, विकार भी ऐसे है। यहां फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रिय को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामत है। अंदर में योग बल इतना बढ़ा दो तो बाबा कहे ये योग बल की ही करामत है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। भारत आते हैं कई लोग योग सीखने, शांति में बिठा देते हैं, बस फिर कुछ भी पता नहीं क्या करना है। घर बार से दूर हो जाते वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। इसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म है शांति। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है। परमधाम में आत्मा शांत रहती है जब तक शरीर धारण नहीं करती है। फिर कहां ना कहां जाकर प्रवेश करती है। यहां तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, वह छाया के शरीर होते हैं। भटकती आत्माएं बाबा कहे धक्के खाती रहती है। कोई दुख देने वाले भी होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहां भी कोई भल मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने लिए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही, भगवान को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, तो बाप से क्या मिलना है? हेवन की बादशाही मिलनी है। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। बड़े से बड़ी आसामी एक तो भगवान, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं।
यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है, यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके, बच्चों को बाप ने समझाया है। बच्चे समझ गए हैं, हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप इतना सहज कर समझाते हैं, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितनी हैं। मनुष्य की ही बात कि सारे चक्र में कितने मनुष्य अंत तक हो जाते हैं। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? लाचारी हालत में अगर खाना भी पड़े तो बाबा का योग बल से सृष्टि को पावन बनाते हो तो खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म। फिर रिफ्यूज अर्थात पिछड़े के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। तो बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने, उसको रिफ्यूज करेंगे तो रिफ्यूज अर्थात कचरे के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। ये सारी दुनिया है पिछड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे ना। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था? मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं। कह देंगे ये सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है, ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहे ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथा कमाई है इसमें, कितनी अथा कमाई है। बल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसा बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है, ऐसे बाप को फॉलो करना है, निर्माण बनना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवड़ है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज के मुरली का मीठा वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। विस्तार है, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूरत बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, ओम। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.